हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनवीएस जैसे का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए मैं डिटेल्ड सिलेबस लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो कि 2017, 19 और 22 के जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका हमारे पास डिटेल्ड सिलेबस लेके आइए, बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आइए, बेस्ट बुक्स लेके आइए, बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं। तो फाइनली उसके लिए पहला वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपका रहेगा डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो टॉपिक पिछले 3 साल के जो पेपर हुए हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं वो पूरी आपके लिए निचोड़ के लेके आया हूँ। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। मैंने बोला था ये वीडियो आपको परसों रात को मिल जाना चाहिए था, तो एक दिन पहले, है ना, बट वो किसी कारण नहीं आ पाया। मैंने सोचा कि इनको और बेहतरीन तरीके से मैं ये कंटेंट दूँ, तो अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि मेहनत की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो यहीं से पूरा पेपर फंसने वाला है, तो इस बार फोड़ दो, जान लगा दो। ठीक है, मैं ऐसा खुद एक जैसे हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, एनबीएस जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट डिटेल सिलेबस 2024 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। देखिए, बेस्ड किसके ऊपर भेजेगा, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे वो कंडक्टेड कराए थे टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो टीसीएस ने जो पेपर कंडक्ट कराए थे उसके बेसिस पर ये पूरा डिटेल सिलेबस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं एनबीएस 2017, 19 और 22 के जो आपके पेपर हुए हैं उसका यहाँ पर पूरा निचोड़ लेके आया हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस शिफ्ट में क्या लेवल रहा था, सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में। देखिए, मैं आपको नीचे एक बार झलक दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं लेके आया हूँ। देखिए, जैसे ये मैथ्स है, मैथ्स में 17 में 2 शिफ्ट थी, उसमें कितने क्वेश्चन थे, 2019 में 3 शिफ्ट थी, 2022 में 2 शिफ्ट थी, किस किस तरीके के लेवल से क्वेश्चन आए थे, पूरा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सभी 6 सब्जेक्ट आपके लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, और इस बार क्या है दोस्तों, एग्जाम जो आपका होने वाला है, एग्जाम क्वेश्चंस में कुछ आपके बदलाव हो सकता है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो चेंज हुई है। पहले टीसीएस थी, इस बार एनटीए आपका ले रही है। बट ये ध्यान रखना, भले ही एग्जाम के पैटर्न में चेंज हो सकता है पूछने के, बट जो क्वेश्चंस रहेंगे कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आपका हुआ था उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भाई डाटा तो चाहिए ना कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए, इस टॉपिक से पूछे गए, तो वही वो क्वेश्चंस लेंगे, वही टॉपिक उठाएंगे। पर हो सकता है पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाए, कि पूछने के तरीके में थोड़ा चेंज, बट जो उन्होंने वो सिलेबस पूछा था सिलेबस तो वही फॉलो करने वाले हैं ना वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा जो भी कंपनी नई आती है वो पिछले पेपर के आधार पर ही नया पेपर सेट करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस मान सकते हैं 10-20%, बल्कि 80 से ज़्यादा % जो पेपर है वो सिमिलर रहता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, इस बार जो हमारा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का हेडक्वार्टर आरओ या जेएनबी कैडर का, ठीक है, सेम सिलेबस है, जेएनबी कैडर हेडक्वार्टर हो या आरओ कैडर, सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए जो सिलेबस दिया गया वो दिया गया आपका सेला रीजनिंग दिया गया, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, फिर मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, फिर आपका हिंदी एंड इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, दोनों से 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर्स पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के, 2.5 घंटा आपको टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं कि इन 30 क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, इन 15-15 जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, मैथ्स में 20 क्वेश्चन जो आए किस टॉपिक से आए, किस टॉपिक से ज़्यादा आए, किस क्या लेवल रहा था, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, है ना, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए, तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा नीचे थोड़ी जानकारी है ले लेना, एक मिनट वेस्ट होगा आपका, थोड़ी पर इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, कंप्यूटर, हिंदी, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स एंड अदर क्लासेस चल आने वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है हमारा जो द एग्जाम हेल्पर जीके वाला चैनल है वो कर लेना, है ना, और यूट्यूब चैनल जो है द एग्जाम हेल्पर जीके वाला फॉलो करना, और टेलीग्राम के लिए जो पीडीएफ मिलेगी आपको द एग्जाम हेल्पर जीके के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम करा चुके हैं, हमने एक पेपर करा दिया है और एक पेपर फुल कराया है मैंने 2022 वाला, है ना, शिफ्ट फर्स्ट का, और उसके अलावा कंप्यूटर के 2019 में 3 शिफ्ट में जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने आपको वहाँ पर पूरे करा दिए। ठीक है, इसके अलावा और बाकी की क्लास, बाकी के जल्दी मिलेंगे, आज आपको एक और मॉक टेस्ट या हो सकता है मैं 2 आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो करा दूँ। और दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए ना, तो भाई अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, टेस्ट बुक की एप्लीकेशन सभी पोस्ट के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपका देखिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, फीमेल नर्स स्टाफ है ना, इसके अलावा मैथ्स हेल्पर है, इसका टीजीटी साइंस वगैरह है, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिशियन, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, सभी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक पास में। ये तो केवल एनबीएस का एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, 18,000 से ज्यादा एग्जाम के जो आपको मॉक टेस्ट हैं इस एक अकेले पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी सेल चल रही है आईपीएल की, जिसमें
699 वाला पास आपको 299 में मिल जाएगा अगर आप, और इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा 299 पे अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो। ठीक है, तो ये कोड है मेरा, है ना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये कोड डाल देना, है ना, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब परचेज करोगे तो ये वाला कोड आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो चलिए नीचे चलते हैं, नीचे और कुछ जानकारी आपके लिए थोड़ी, है ना। और देखिए NBS के कितने सारे आपको जो मॉक टेस्ट हैं इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट रजिस्ट्रेशन के 2024 के 250 मॉक मिल जाते हैं आपको, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड है। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर टेस्ट है 202, सब्जेक्ट टेस्ट है 30, फुल टेस्ट है 10, प्रीवियस ईयर के पेपर अलग है ना। और ये है, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये हमारा चैनल है सेकंड द एग्जाम हेल्पर जी के। ठीक है, इसको फॉलो कर लेना, क्लासेस वगैरह आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये टेलीग्राम मेन चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह, और 2022 का पहला पेपर मैं करा चुका हूँ इस चैनल पर, है ना, तो जाके इसको देख लेना। और ऑल शिफ्ट, ऑल थ्री शिफ्ट का भी पेपर हमने यहाँ पर कंप्यूटर करा दिया, ये मेरा नवोदय विद्यालय था, यहाँ पर मैं पोस्टेड था, और सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, है ना। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी मैंने JSA का डाल दिया, 2022 का भी डाल दिया है, 19 का भी डाल दिया है ना, इसके अलावा 2017 का भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। MTS वगैरह जितनी भी अदर पोस्टेज है सबके लिए मैं डिटेल सिलेबस लेके आने वाला हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि केवल JSA के लिए सिलेबस है, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको MTS हो गया, ASO हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, जितने भी और अदर पोस्ट आपकी 13-12 पोस्ट और बचती हैं उसके लिए सबके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए NBS JSA डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलिए ब्लू कर लेते हैं इसको। और यहाँ से देखिए मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने किस तरीके से दिए, यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2017 में दो शिफ्ट थी, तो दो शिफ्ट में मिलाकर टोटल सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। 2019 में तीन शिफ्ट थी, सिंप्लीफिकेशन से तीनों शिफ्ट में 14 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में लगभग पाँच पाँच चार चार क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। 2022 में दो शिफ्ट हुई थी जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन जो था हमें सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिला था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इसको पूरा आपके लिए बनाकर लिखा है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है हमारा, वहां से टोटल हमारे 14-15-16 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में एक, 19 में 14, 22 में एक। तो ये गलती मत करिएगा कि एक एक आया था, बट यहाँ पर भी देख सकते हो आप 14 क्वेश्चन अकेले 2019 में तीन शिफ्ट में पूछ लिए गए, प्रत्येक शिफ्ट में पांच पांच चार चार क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है कि 2024 में भी इस टॉपिक से कम मिनिमम दो या एक तो दे सकता है, एक देगा तभी हमारा भाई एक एक नंबर यहाँ पर कीमती होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से देखिए क्या क्या पूछा गया, तीन क्वेश्चन आए थे 2017 में, दो क्वेश्चन आए थे 2019 में, और 2022 में दो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि ये भी टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की बात करें तो देखिए चार क्वेश्चन 17 में, 19 में चार क्वेश्चन, 2022 में दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज तो पढ़ने पड़े, मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे ना भाई, इसमें से मैं जो छोड़ने वाला होगा ना उसको क्रॉस लगा दूंगा, जिस पर टिक कर रहा हूँ ना, पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े मत चले जाना, ध्यान रखना। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, 17 में 6 क्वेश्चन है, 19 में भी 6 क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 22 में इन्होंने गायब कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं 24 में ही गायब कर देगा, हो सकता है कि भाई 6 फिर से डाल दे तो निपट जाओगे अच्छे खासे, तो छोड़ना नहीं कुछ। अब आइए डिस्काउंट, डिस्काउंट में देखिए यहाँ खाली था, 19 में दो क्वेश्चन आए और सीधे 2022 में 6 क्वेश्चन आए, इसके साथ क्या था प्लस CI इंक्लूड करके दिया था DI के फॉर्म में। 2022 में जो पेपर आया है वो थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें पैसेज टाइप जो है बना के दिया गया था क्वेश्चंस का, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, GK हो, सभी में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें क्या करा गया था, डिस्काउंट और CI को जो कंबाइंड करके एक DI पूछी गई थी, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने वही कंपाउंड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख दिया, यहाँ पर भी मतलब ये दोनों एक ही है ना, 6 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर पूछे गए थे, 6 प्लस इसके साथ डिस्काउंट मिला दिया गया था। ठीक है, CI के साथ, तो 6 क्वेश्चन आपके दो शिफ्ट में, यानी कि पर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे डिस्काउंट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें एवरेज, एवरेज से देखिए हर शिफ्ट, हर ईयर में आपको पेपर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 2017 में 3, है ना, 19 में 5 क्वेश्चंस, और 2022 में भी 3 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से देखिए यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखेंगे तो 2, 1 और यहाँ पर देखिए फिर से अगेन 4 पूछ लिए गए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 भी नहीं पूछा। ठीक है, पर यहाँ पर CI पूछ लिए गए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं पढ़ना, नहीं भाई पढ़ना है, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो ये चीज़ वैसे ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 यहाँ पूछा गया 17 में, 3 यहाँ पूछेगा, और यहाँ पर भी आपके 6 क्वेश्चन पूछ लिए। टाइम एंड वर्क की जब हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन 17 में, 2 क्वेश्चन 2019 में, और 3 क्वेश्चन DI के रूप में पूछे गए थे 2022 में।
ठीक है, तो डीआई के रूप में यानी कि कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क के दो तीन कंसेप्ट को मिलाकर एक लंबा क्वेश्चन बना दिया गया और उस पर आपको डीआई पूछी गई। इस प्रकार के जो क्वेश्चन को हम बोलते हैं कैसलेट डीआई बना देना, ठीक है, इस तरीके की ये डीआई पूछी गई थी आपको। मैं आपको जब पेपर का सॉल्यूशंस कराऊंगा ना, पेपर के जो सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बताया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे टॉपिक्स आपको करने, जिस पर क्रॉस लगेगा वही नहीं करना, ठीक है। एज तो भूल ही गया मैं, एज देखिए 17 में एक भी नहीं आया, 19 में दो आए और 22 में एक आया, यानी कि ये भी करना ही भाई। एक एक क्वेश्चन, एक एक अगर एक क्वेश्चन भी किसी टॉपिक से आ रहा है तो भाई पढ़ना है कुल मिला के, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, देखिए नल और टंकी, देखिए जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो नल टंकी उसी के अंदर आता है, तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट 2022 में एक क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन से मिलाकर देखिए कितने क्वेश्चन है, 5 17 में, 3 19 में, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन सिंगल सिंगल पूछे गए, 3 क्वेश्चन डीआई के फॉर्म में पूछे गए थे 2022। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेंज से पूछे गए। बोट एंड स्ट्रीम की हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया वो भी 2022 में, तो ये भी आपको पढ़ना भाई सिंपल है। देखिए टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो पाइप एंड सिस्टम ऑलरेडी आ जाएगा, टाइम एंड स्पीड पढ़ोगे तो बोट एंड स्ट्रीम ऑलरेडी आ जाएगा, सेम कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है, 17 में एक भी नहीं था, 19 में 4 और 22 में 2, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना भाई, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशंस की यदि बात करें है ना, क्षेत्रमिति जो होती है जिसमें 2D और 3D दोनों शामिल है, अब देखिए 17 में एक भी नहीं है, 22 में एक भी नहीं, बट भाई सीधे 2019 में 6 क्वेश्चन पूछ डाले। अब सोचो जो नहीं पढ़ के गया होगा उसके तो 6 क्वेश्चन गए ना, 6 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो सीधे कॉम्पिटिशन से बाहर, एक एक कॉम्पिटिशन भाई पॉइंटों में कॉम्पिटिशन चल रहा है, पॉइंट में अगर आपका पॉइंट वन कम हो जाता है ना तो सीधे 10,000 से नीचे गिर जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है ना। अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, बट 22 में जो डीआई पूछी गई उसने यहाँ पर इसका खेल कर दिया ना, यानी कि डीआई वाला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है, सिंपली कुछ नहीं होता, जो अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस होते हैं उसी को बना के एक डीआई का फॉर्म दे दिया था, बट यहाँ पर जो कैसलेट डीआई थी अर्थमेटिक के फॉर्म में, बट ये डीआई थी वो एक प्रॉपर डीआई थी जिसमें एक टेबल डीआई दी गई थी, उसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं पेपर कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरीके से डीआई का क्वेश्चन आया था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करके ही जाना हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए 17 में 4, 19 में गायब, फिर 22 में 4, वो इतना शान मतलब इतना अच्छा लेवल पूछते हैं, और मतलब नॉर्मल और हार्ड दोनों तरीके, जैसे 4 क्वेश्चन पूछेगा तो एक सिंपल था, एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, तो अच्छे तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन केवल 17 में है, अब इसको आप छोड़ भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी को ना, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी जो चैप्टर्स हैं आपको करने हैं, ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। एडवांस मैथ्स के ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है इसमें, एक तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एक एलसीएम एचसीएफ हो गया, बाकी तो नॉर्मल है ना, मेंसुरेशन भी आपका अर्थमेटिक में आया था, तो ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा वगैरह ये कुछ नहीं पूछा था, जो मैंने आपको यहाँ सामने था वो यहाँ पर मैंने पूरा आपको बता दिया मैथ्स के लिए कितने कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे गए है ना, तो यहाँ पर मैंने बता दिया किस तरीके से आपको प्रिपरेशन आपको करनी है, वो आपकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर टाइम टेबल बताऊंगा, बेस्ट बुक बेस्ट टीचर कहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी जो पीडीएफ है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप ले सकते हैं, ये पूरा जो सिलेबस है वो है ना, तो अभी वीडियो लास्ट तक देखना, पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलिए हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। वही सेम 2017 में 2 शिफ्ट, 19 में 3 शिफ्ट और 22 में 2 शिफ्ट, टोटल आपकी देख रहे हो 7 शिफ्ट हो रही है, 3 बार पेपर हुआ है इसका, यानी कि इसका 17 से 7 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इसका भाई पूरा डाटा बनाने में ना मेरे को पता है 2 दिन से भी ज़्यादा का समय लग गया पूरा ये डाटा बनाने में, एक एक क्वेश्चंस को देखने में किस टॉपिक से आया किस लेवल का है वो पूरा भाई, पूरा डाटा बनाने में ना हालत ख़राब हुई। पर मैं सोच रहा था इसको, मैं चाहता आपको 2 घंटे में ये वीडियो बना के दे देता, बट मैं सोच रहा कहीं ना कहीं यार इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में दूँ जिससे कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिस जो कि सिलेक्शन से वंचित रह जाए, ठीक है। तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए, वो बोलता है ना कि 54 है ना 18 से संबंधित है, तो आपका जो 57 है ये किससे संबंधित होगा, है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या है ना कि कसेरा बर्तन से संबंधित है, तो इस तरीके से, तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन कितने, 2017 में 8, 19 में 8 और 2022 में 2, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक, ठीक है। डायरेक्शन से भी देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 2019 में 2 और 22 में 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स से देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया भाई, सिलॉक्स भी आपको करना ही करना है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसको आप छोड़ सकते हैं,
है ना। ये टॉपिक अपने आप वास्ट टॉपिक है, इससे केवल दो क्वेश्चन आए थे 2019 में, तीन शिफ्ट थी, केवल दो ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डाला गया है ना, तो यहाँ पर एक भी नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं है ना, चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, करना है तो कर लेना, टाइम बचे तो, क्योंकि हमारे पास सफिशियंट टाइम है तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग हो सकेगा तो पूरी कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। रीजनिंग मैथ्स के लिए मैंने नीतीश सर को बोल रखा है ना, वो पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपको क्लासेस मैथ्स वगैरह की रीजनिंग की मिलेगी। बाकी अदर जो क्लासेस हैं वो आपको मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, द एग्जाम पर जी पर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग देखिए कितना अच्छा टॉपिक है, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, है ना। इसका ब्लड रिलेशन तो भाई ये इसमें जो आया था ना, ये कोडेड वाला ब्लड रिलेशन आया था, कोडेड फॉर्म में, है ना, ये परसेंट बी बी माइनस सी इस तरीके से, तो इससे 4, 3 और 6, तो भाई अपने आप में ब्लड रिलेशन खतरनाक होता है। सीरीज देख लो, लेटर नंबर और रिपीटेशन वाली सीरीज, ये क्वेश्चन 19 में 9 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन, देख रहे हो, एक एक शिफ्ट में तीन तीन चार चार क्वेश्चन डाले गए। कैलेंडर से देखिए 3 क्वेश्चन सीधे 19 में, हालांकि इससे देखिए 17 और 22 में एक भी नहीं है, बट 19 में सीधे 3 क्वेश्चन डाल दिए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलेंडर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है यह ना, 1-2 घंटे में आप इसको समझ सकते हैं। वॉच हुई, घड़ी से आपके 2 क्वेश्चन 19 में आए थे। डाइस, डाइस से 1 क्वेश्चन आया केवल 2019, तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना, इसको चाहो छोड़ सकते हो। बॉर्डर एंड रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेट के अकॉर्डिंग इतनी है किसकी, है ना, हाइट के अकॉर्डिंग इतनी, लंबाई के अकॉर्डिंग इतने, इसकी रैंक क्या हुई है, इसके आगे बैठा है, इसके पीछे बैठी है, इससे इतना भारी है, इतने कम है, तो इससे 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछ गए। वर्ड बनआउट से पूछा गया कि 4 ऑप्शन दे दिए कि ये 4 हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक कौन सा भिन्न है वो उसका बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड बनआउट से 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे गए। पजल से देखिए यहाँ पर 17 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये एड्रेस टाइप की पजल थी, मतलब सिंपल वाली पजल थी, एड्रेस दे दिया, उसमें बता रहे थे कि बताइए इसमें इसका क्या हुआ, सिंपल थी ना। 2019 में 1 क्वेश्चन आया पजल से, ठीक है। इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट की हम बात करें तो 17-19 में कुछ नहीं था, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 3-3 क्वेश्चन करके प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पजल आई थी और हैवी पजल थी, मतलब बनाने में पसीने छूट गए थे लोगों के, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम देखिए उन्होंने रीजनिंग में भी डाल दिया, जैसे 17 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी जैसे बेस्ट क्वेश्चन थे, कि कोई आपको दे दिया कि 5 आपको ऑप्शन दे दिए और पूछा कि बताइए इनमें से डिक्शनरी ऑर्डर के आधार पर इनका क्रम क्या होगा, है ना, 1 2 3 4 5 था, तो पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 2, इस तरीके से क्या क्रम रहेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन 17 में 19 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 22 में 1 भी नहीं, तो ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखिए 17 में 1 भी नहीं, 19 में 3 क्वेश्चन और 22 में 4 क्वेश्चन, पेयर वाले बात है ना, पेयर बनाने के लिए कि बताइए राहुल है ना, राहुल लिखा हुआ है, तो इसमें कितने पेयर बनने हैं, कैसे, आर के बाद क्या आता है, एस टी यू बी, तो यू बन गया एक, है ना, तो एक पेयर बन गया, यानी कि यहाँ से आर एस टी यू एक बन गया, फिर एक के बाद बी सी डी नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, फिर एच एच के बाद आई जे नहीं आएगा, आई जे नहीं आएगा, यू के बाद तो आई नहीं सकता, एल के बाद जे के एल एम नहीं आएगा, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर केवल एक पेयर बनना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 आए थे 19 में 2 आए थे 22 में, क्यूब क्यूबॉइड से केवल 2 क्वेश्चन है 19 में, तो आप चाहो उसको छोड़ सकते हो, टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, लेंथी टॉपिक है, तो मैं कहूँगा इस चीज़ को आप छोड़ दें, है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर करना ही करना भाई, नॉन वर्बल करना ही करना, जो आकृति वाले आते हैं ना कि बताइए 3 आकृति रहेंगी, चौथी आकृति क्या होगी, या ये आकृति इसका पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग का, इस टाइप से। तो इससे 8 क्वेश्चन देखिए 19 में 22 में 2, काउंटिंग ऑफ फिगर से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि 2019 में आए थे, जिसमें आपको त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, आयत, ये सब कुछ उसने गिनाया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे रीजनिंग के, मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, इंग्लिश और हिंदी जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो है दो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक तो इसमें रहता है, एक ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, ठीक है, ग्रामर से अलग टॉपिक आते हैं, और एक वोकैब वाला सेक्शन रहता है, इसका एक अलग ही कंसेप्ट चलता है, ठीक है। ये दोनों ही हिंदी में, दोनों में सेम कंसेप्ट रहता है। चलिए देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से। तो सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शंस को उठाएंगे, ठीक है। ग्रामर सेक्शंस में, ग्रामर जो सेक्शन है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ग्रामर सेक्शन से, ठीक है, सॉरी, है ना। 2017 में 2 शिफ्ट, वही सेम है ना, 2019 में 3 शिफ्ट और 2022 में 2 शिफ्ट। तो देखिए एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके ग्रामेटिकली ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, जिससे 4 क्वेश्चन 17 में 19 में 4 22 में 1 भी नहीं पूछा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं भाई, पढ़ना है, 4 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 और 19 में। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, और ये सबसे ज़्यादा पूछे गए, 17 में 9 क्वेश्चन, 19 में 8 क्वेश्चन और 2022 में 7 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से। अब इसमें पूछता क्या है बेसिकली, अब देखिए ये तो हर कोई बता देगा फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, पर ये कोई नहीं बताता भाई कि इसके अंदर पूछा क्या जाएगा भाई, है ना। एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो मैंने पूरा एनालाइज किया और फिल इन द ब्लैंक्स में जो टॉपिक्स हमारे पूछे गए थे वो थे आर्टिकल,
फिल इन द ब्लैंक दे दिया, नीचे ऑप्शन में आर्टिकल दे दिया कि कौन सा आर्टिकल फिक्स हो गया, या कौन सी नाउन आएगी, कौन सा प्रोनाउन आएगा, कौन सा वर्ब, कौन सा मॉडल, कौन सा एडजेक्टिव इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, प्रपोजिशन कौन सा आएगा, एट, ऑफ, इन, आउट, है ना, इस तरीके का टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन टेक्स्ट पूछे गए, ठीक है, क्वेश्चन टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है, इसको पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। कंजक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। तो ये सारे जो टॉपिक थे, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दिया, और ऊपर पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव कौन सा हुआ, और चार ऑप्शन आपको नीचे दे दिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए गए एरर डिटेक्शन में, है ना, एरर देता कि किस पार्ट में एरर है, तो वहाँ पर ये सारे ही टॉपिक आपके इंक्लूड होते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर पूछा गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करता है, एक क्वेश्चन देता है, वहां पर कुछ पार्ट वो हाईलाइट कर देता है, और इसमें पूछता है कि बताइए इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। वहां पर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है इन सारे टॉपिक्स में, टेंस पूछ लेगा, है ना। वहां लिखा है, वहां लिखा है वॉज ही लिखा है, तो आप बताइए कि वर ही आएगा, विल ही आएगा, वॉज ही आएगा ऑप्शन में, तो इसके ये सही है या इसके इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है। जब मैं कराऊंगा ना आपको प्रीवियस से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए 6 क्वेश्चन 19 में, हालांकि 2257 ही है, बट आए तो 6 क्वेश्चन आए सीधे 19 में। इसके इसके अलावा करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन दे देगा उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बना के, और चार ऑप्शन दे देगा जिसमें उसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, तो वो आपको फॉर्म करना है। 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रामर अगर आपको आती है ना, ये टॉपिक्स जो आते हैं, तो आप इजिली कर ले जाएंगे। इसके अलावा नरेशन जो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, इससे क्वेश्चन आए थे, एक सेकेंड, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसमें टाइप नहीं कर पाया, शायद किया था, शायद डिलीट हो गया, एक सेकेंड, मेरे पास है, मैंने उसको पहले इसको हाथ से लिखा था अपने, उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर उसमें डाला, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके इसको वर्ड आपको पीडीएफ बना दिया आपके लिए, है ना। इसमें मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं आपके यहाँ पर, जो आपका ये वाले 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए 19 में, इसमें और इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन आए भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में टॉपिक। नाउन से 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये पूछा गया था इसमें जो नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, है ना, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो नाउन से यहाँ पर पूछे गए थे, या करेक्ट नाउन क्या होगी। 19 और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आते हैं पैसेज, 17 में पैसेज नहीं आया, 19 में पैसेज नहीं आया, बट 22 में पैसेज आया, और 5 5 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में दिए, यानी टोटल 10 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए। तो पैसेज बेसिकली कुछ नहीं, ग्रामर पर थोड़ी रीडिंग करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ी वोकैब आपको आनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, कुछ सेक्शन को यहाँ से आया, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आपका, देखिए 17 में ये 10 10 मार्क्स का था, यहाँ 15 15 मार्क्स का था, यहाँ पर भी 15 15 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। बट इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, इसको क्लीन कर देते हैं अपन। मैं आपको बताऊँ कि ग्रामर में चलता क्या है, इस बेसिकली इंग्लिश का जो और हिंदी का जो सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। देखिए देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ये, ठीक है, एक तो ग्रामर वाले सेक्शन से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, ग्रामर वाले से, एक वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है उसमें उठाते हैं, सेम हिंदी में होता है ना, हिंदी में बस हिंदी बोल दो, यहाँ व्याकरण लिख दो, यहाँ शब्द लिख दो, है ना, शब्दार्थ, तो इसमें क्या करता है, जैसे मान के चलो ये 15 का आने वाला है, 15 क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन में ये क्या करेगा, 6 7 क्वेश्चन यहाँ डाल देगा, 7 8 क्वेश्चन या 6 7 क्वेश्चन यहाँ डाल देगा, तो ये 50 50% का जो मार्जिन है वो लेके चलता है, ठीक है। तो 15 नंबर में से 6 7 का ये आएगा, 6 7 7 8 का ये आएगा, तो दोनों ही आपके लिए इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि आपको वोकैबुलरी भी पढ़ने पड़ेगी, ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप वोकैब छोड़ दें या ग्रामर छोड़ दें, आपको दोनों ही ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, ओके। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है, ऐसे ही हिंदी में व्याकरण से पूछे जाएंगे 7 से 8, 6 से 7 क्वेश्चन, और 7 से 8 आपके जो है वोकैब वाला जो सेक्शन है, शब्दार्थ वाला जो सेक्शन है, वहाँ से पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना होता है, ठीक है। वोकैब मैं आपको अपने नोट से करा दूंगा, हिंदी में पूरी को अपने नोट से करा दूंगा, हिंदी तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, इंग्लिश में कोशिश करूंगा आपको मैं कि जो भी कंटेंट है आपका मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, है ना, जितने भी क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो देखिए चलिए अब आते हैं बुकैप सेक्शन पे। बुकैप सेक्शन ऐसा भाई डेली डेली आपको पढ़ना पड़ेगी बुकैप, तभी आप कर पाएंगे। इसमें देखिए एंटोनिम से देखिए 17 में एक भी नहीं, पर 19 में 7 क्वेश्चन और 22 में 2 क्वेश्चन। सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो 17 में 2, 19 में 6 और 22 में 2 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ट भी आता है आपका, जिसमें एक आया 17 में, 3 आया 19 में, और 4 आया 22 में। इडियम्स एंड फ्रेजेस की यदि बात कर ले तो 1 क्वेश्चन आपका पूछे गया 17 में, 5 क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए ये पूछे गए 19 में, और 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया 2022 में।
ये सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, सब पढ़ना है आपको। वन बट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन 17 में एक भी नहीं, बट एक आया 19 में और डायरेक्ट चार आया आपके 22 में, तो आप इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते भाई, है ना। ये बहुत सिंपल आता है, ईजी आता है, मेरे नोट्स से पूरे के पूरे क्वेश्चन उठ के आए हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, जब मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा नोट्स से मिला के दिखा दूंगा, फोटो लगा के देखो ये मेरे नोट्स में इंक्लूड है पहले से। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका, इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश हो गया, अब चलिए हिंदी में चलते हैं। हिंदी के में क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है, तो मैंने प्रॉपर हिंदी में यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग होती है हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में, मुझे दोनों आती है, बोर्ड टाइपिंग आती है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ओके, चलिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी व्याकरण वाला मैंने सेक्शन अलग कर दिया, जिसमें संज्ञा टॉपिक होता है उसके अंदर आता है वचन और लिंग आता है। ठीक है, वचन लिंग आता है, जिसमें आपके 2019 में दो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, ओके, 17 22 में एक भी नहीं, बट यहाँ दो पूछे गए ना, हो सकता है 24 में भी दो क्वेश्चन पूछ ले, और दो क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन भाई बहुत बहुत ज्यादा बात हो जाती है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तीन टॉपिक होते हैं, तीनों से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है, केवल 2019 में एक, है ना। ये पढ़ना भाई, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ईजी वे में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसकी क्लासेस करवाई थी, KVS के लिए भी करवाई थी, NVS 2022 के लिए भी करवाई थी, EMRS के लिए भी करवाई थी, तो वो मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर भी जाकर आप इनको देख सकते हैं। वर्णमाला की बात करें, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे 19 में, ठीक है, वाक्य एवं प्रकार 8 क्वेश्चन पूछ लेगा भाई 2019 में, तो भाई ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है आपको जिसको छोड़ दो। आप सोचो कि भाई यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, बट इसको भी तो देख लो, 8 क्वेश्चन डाल दिए, 24 में 8 क्वेश्चन डाल दिए और तुम पढ़ के नहीं गए, भाई फेल हो जाओगे डायरेक्ट, समझ रहे हो ना। तो भाई पूरा पढ़ना है, प्रत्यय एवं उपसर्ग से भी 2 क्वेश्चन 19 में पूछे गए आपके, है ना। चलिए इसके बाद संधि, समास, अलंकार, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए 19 में, एक भी नहीं, फिर 22 में 2 क्वेश्चन, समास से 2, 1 और 2, अलंकार से 2 क्वेश्चन, 0 और 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों टॉपिक तो पढ़ने पड़ना। ठीक है, संधि इस तरीके से पढ़ा दूंगा आपको, बिल्कुल छप जाएगी, और आपको डिट्टो मेरा जो एग्जाम्पल नोट है और जो एग्जाम्पल पूछे गए थे पूरा नोट करा दूंगा, ठीक है, डिट्टो मिलते हुए। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाक्य होती है, वर्तनी शुद्धिकरण होती है, 3 क्वेश्चन आए थे 17 में, उसके बाद से नहीं आया, फिर भी हमको पढ़ना है। अब देखिए गद्यांश से 17 19 में नहीं आया, बट यहाँ देखिए डायरेक्ट में 5 5 क्वेश्चन डाल दिए, प्रत्येक शिफ्ट में 5, 2 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड है आपके, है ना, तो कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने, जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ उसको एक बार आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए शब्दार्थ वाला सेक्शन जो है आपका, यानी वोकेबलरी वाला, उसमें क्या क्या है, तो विलोम शब्द से देखिए 2 7 और 2, भाई पढ़ना पड़ना है। पर्यायवाची देखिए 2 9 और 2, तत्सम तद्भव 4, यानी आया पर यहाँ 2 आ गए। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछा गया। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 1 क्वेश्चन और डायरेक्ट 4 क्वेश्चन। समानार्थी अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए एक वर्ड दे दिया है ना, मान के चलिए ये दे दिया रिवर्टेड, है ना, रिवर्टेड दे दिया, तो इसका क्या होता है ना, तो इसका होता है मतलब पलट के जवाब देना है इसका, तो उसमें लिखा था प्रति ऐसा करके, उसमें हिंदी थी इसकी। ठीक है, मैं पेपर कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, 6 क्वेश्चन 19 में आए थे डायरेक्ट, प्रत्येक शिफ्ट में 2 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, सीधी बात मैं बता रहा हूँ, इतना सुन लीजिए। ठीक है, तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा हिंदी का निचोड़ आपके सामने रख दिया, यही टॉपिक पढ़ना है। और ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि कोई टॉपिक अगर आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो उसमें से आप हटा सकते हैं, बैठे सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हैं भाई, कब क्या पूछ ले वो उठा के, उसकी कोई मनसा नहीं है ना, पता चले यहाँ एक भी नहीं पूछा, यहाँ सीधे 10 डाल दिए, क्या कर लोगे तुम, है ना, यहाँ देखिए एक भी नहीं पूछा, यहाँ 8 डाल दिए, है ना, अगला हो सके 22 में से 10 क्वेश्चन डाल दिए, फिर क्या करोगे तुम। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ काफ़ी, ठीक है, कुछ ही टॉपिक है, बहुत ईजी ईजी टॉपिक होते हैं, आपको ईजीली ये आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा करवा दूंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है आपका कंप्यूटर वाला सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लोचा हुआ है, 17 में 2 शिफ्ट, 19 में 3 शिफ्ट, 22 में 2 शिफ्ट, बट 22 में भाई जो पेपर है ना, प्रत्येक जो भी सेक्शन, जो भी इसमें सेक्शन देना 22 में बहुत खतरनाक खतरनाक पूछे गए, स्टेटमेंट एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ कंप्यूटर भाई IAS लेवल का कंप्यूटर पूछ लिए, मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, मतलब कितना डूबे पता, 50% डूबे थे, 50% अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बट वो सारे ही क्वेश्चन जो पूछने का जो पैटर्न था ना, वो पैटर्न IAS के आप ले सकते हैं। IAS जैसे पूछता है ना, क्वेश्चन दे दिया, फिर उसकी 2 स्टेटमेंट दे दी, है ना, क्वेश्चन दिया, फिर क्वेश्चन पूछ दिया, फिर 2 स्टेटमेंट दे दी उसकी, 1 2, फिर उसके ऑप्शन दे दिए, बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा सही, इस तरीके से फ्रेमिंग की गई थी क्वेश्चंस की, तो बच्चे वैसे ही घबरा गए भाई कि क्या कुछ कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार वीडियो देख लूँ, चल रही है ना, हाँ चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ओके, चलिए 2000 शॉर्टकट की बात करें, 2017 में 2, 19 में 4 और 22
इसमें एक शॉर्टकट की पूछेगी, यानी कि शॉर्टकट की भाई पढ़ना है पढ़ना है, सारी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है सारी करा दूंगा, फुल फॉर्म आपको सारी पढ़नी पढ़नी। 2019 में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे नहीं। और इसमें क्या हुआ था, 22 में जीके के सेक्शन में 2 फुल फॉर्म डाल दी कंप्यूटर के, एक वाईफाई का डाला, एक बाईमैक्स का डाला था, ठीक है। तो कहीं पे भी फुल फॉर्म आपके पूछे जा सकते हैं। अब मेमोरी वाला जो सेक्शन आता है, इसमें NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी है, FAT है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, रोम हो गया, है ना, RW रीड एंड राइट, एड्रेस लाइन बिट हो गई, इससे रिलेटेड भाई कितने क्वेश्चन देखो, 7, 7 और 9। मेमोरी वाले को तो भाई घोल के पी जाना मेमोरी वाले टॉपिक को। तो इसके अलावा बाइनरी एंड डेसिमल कन्वर्जन है, इसको आप छोड़ सकते हैं, मैं इसमें बोल लूंगा आप छोड़ दें, केवल 1 17 में क्वेश्चन आया, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, आता भी नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। और इसमें थोड़ा क्या मैथमेटिकल वाली फीलिंग आती है, ठीक है। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, भाई देख रहे हो 3, 1 और 3 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होते हैं आपके, उससे देखिए 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, वायरस एंटीवायरस से केवल 1 क्वेश्चन आया 2019 में। बट इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अभी EMRS का KVS का एग्जाम होता है, सब में 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, यहाँ से 1 1 क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पूरे जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी एंटीवायरस होते हैं, सारे करा दूँगा, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ना, इसमें 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, और इस 6 क्वेश्चन में क्या था, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ लिए गए, कि एंड्रॉयड में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नोकिया के फोन में कौन सा आता है, सैमसंग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है, iOS कौन से, एप्पल जो है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। तो देख रहे हो करंट में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे 2022 के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। गेट से 17 में 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है, ये आपके कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं। पता नहीं 2017 में इन्होंने क्या कीड़ा काटा है, इन्होंने पूछे 17 में, बताऊँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, है ना, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के पूछे गए थे ना, बहुत शानदार, है ना। 19 में मॉडरेट था पेपर, है ना, 1 2 शिफ्ट में 2 4 क्वेश्चन थे, है ना। और यहाँ पर 22 में तो भाई अलग ही अद्भुत दुनिया में चल रहे थे लोग, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ डाला है, तो पूरी पूरी एक्सेल उठा के सीट डाल दी उसमें, MS वर्ड का पूरा प्रैक्टिकल घुसेड़ के डाल दी उसमें ना, मैंने कराया हुआ पेपर, आप देख सकते हैं जाके उसमें, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट ये साइबर सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन आए 19 में, 4 क्वेश्चन आए 24 में, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 4, 5 और 4। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ठीक है, कौन सा वाला है, ये वाला, ये मत पढ़ना, ठीक है, गेट मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, और बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, नया ट्रेंड आया, कियोस्क हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, यहाँ से एक भी नहीं था, यहाँ एक आया और यहाँ डायरेक्ट 8 क्वेश्चन आ गए, देख रहे हो भाई, ये नया ट्रेंड है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, KVS उठा लो, EMRS उठा लो, सब में ये ट्रेंड को फॉलो किया गया है। SSC उठा लो, कोई सा भी एग्जाम, कि क्यूएस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे 19 में, 22 में 1 क्वेश्चन, कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी होगी, कौन सी की होती है, कितनी कीज होती है, किस की का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कौन सी की के नीचे कौन सी की होती है। IT एक्ट, ये भी नया ट्रेंड चला हुआ है भाई, ये भी बिल्कुल नया ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें एक आया था 19 में और 2 आए थे आपके 22 में। फाइल के एक्सटेंशन जो होते हैं, उससे 19 में 1 क्वेश्चन आया, आपको ये फाइल एक्सटेंशन सारे करा दूंगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट का, एक्सेल का क्या एक्सटेंशन होता है, इस तरीके से। इसके अलावा सिम से क्वेश्चन पूछेगा, देख रहे हो 2, यानी कि मोबाइल फोन जो है ना, उसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि मोबाइल फोन में सिम जो होती है उसका क्या कार्य रहता है, फुल फॉर्म क्या होती है ना, कौन कौन से जो अभी 5G है, 5G का क्या नाम है ना, 4G को क्या बोलते हैं, BOLT बोलते हैं, इसके अलावा 3G को क्या नेटवर्क बोलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में कौन सा है, वन प्लस कौन से ऑपरेटिंग का, सैमसंग कौन से, जितने ज़्यादा फोन जो है वो आपको जो मेन मेन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये वाला टॉपिक एक अलग ही जोन में चलता है, MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये भाई यही यही जो है ना जड़ है पूरी, केवल MS ऑफिस से 49 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 3 साल के जो पेपर हुए हैं आपके उसमें। MS वर्ड से क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इसमें तो प्रैक्टिकल पूछे गए थे भाई, यहाँ चलो लैंग्वेज डालना था, यहाँ प्रैक्टिकल मतलब ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ यहाँ कुछ बना के दिखा दिया, और इसमें कुछ इन्होंने फॉन्ट का यूज़ किया, कुछ मतलब इन्होंने उसमें एक्शन लिए गए, वो बता रहा है कि बताइए इसमें मैंने ये चीज़ करी है, तो ये चीज़ किस तरीके से करी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। पावर पॉइंट से देखिए 2, 4 और 2, MS एक्सेल देखो 4, 13 क्वेश्चन भाई 19 में 13 क्वेश्चन, है ना, 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल 2022 में, तो समझ रहे ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई, बहुत ज़्यादा, है ना। थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले वगैरह पूछा जाता है एक्सेल में, मैं आपको करा दूंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और जो 2019 में फॉर्मूला पूछा वही सेम 2022 में सेम डिट्टो फॉर्मूला पूछ ली भाई, डिट्टो मैंने कराया हुआ आपको पेपर में, देखना आपको
जो 2019 वाले तीन पेपर है ना उसमें करा हुआ है। तो ये पूरा आपका कंप्यूटर का था, ठीक है। कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, जीके करंट अफेयर, बाकी की जो सेक्शंस हैं है ना वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की, है ना। प्रॉमिस नहीं कर सकता, बाकी ये इतना मैं करने वाला हूँ, हमारे पास काफ़ी सफिशियंट टाइम है ना। फॉर्म इसके 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है, तो फॉर्म जरूर भर देना, 22 मार्च से इसके स्टार्ट होते, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने भर दिया, ठीक है। चलिए, लास्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा जीके का सेक्शन, जो कि सबसे अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। इसको बनाने में ना भाई, मतलब कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, एक एक जो आपका एक एक सेक्शन है उसको बनाने में 2 2 3 3 घंटे लगे मेरे को, ढूंढ ढूंढ के कि किस तरीके से क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जिससे आपको ईजी हो, आप पढ़ने में आपको आसानी हो ना। चलिए, तो देखिए, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके, जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके, देखिए, एक तो मिडिवल हिस्ट्री होती है, एक आपकी एंशियंट हिस्ट्री होती है। एंशियंट से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक क्वेश्चन पूछा गया तो बौद्ध धर्म को लेकर, है ना, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट ज़्यादातर मिड से थे, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा थे, और आंदोलन जो होते हैं उससे हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। असहयोग आंदोलन के हुआ, है ना, असहयोग आंदोलन जब इसको चौरा चौरे की घटना हुई थी, इसके अलावा जो आपके साइमन कमीशन वगैरह हो गए, ये सारे जो आंदोलन थे ये पूछे गए थे आपसे, है ना। तो देखिए, 2017 में 4 क्वेश्चन, 19 में 6 क्वेश्चन, और 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके पैसेज के फॉर्म में पूछे, टोटल 8 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, ठीक है। इसमें क्या करा था इन्होंने, एक पूरा पैसेज दे दिया था, मैंने बोला ना पैसेज टाइप क्वेश्चन इन्होंने 2022 में बहुत पूछे, एक पैसेज दे दिया पूरा, उसमें 4 5 लाइन दे दी, उसके ऊपर 3 4 क्वेश्चन बना दिए, है ना। और इसमें क्या कर रहा है वो, खालिस्तान छोड़ दिए, है ना, उसमें पूछा कि बताइए यहाँ क्या आएगा। अब भाई, अब वो उसके लिए आपको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि उस घटना को आपका पूरा पता होना चाहिए कि क्या घटना थी, क्या इंसिडेंट वहां पर चल रहा था इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस पेपर कराया था उसमें बताया था, और आगे जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा सेकेंड हमारा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 6 क्वेश्चन 17 में, 19 में 8 क्वेश्चन, और 22 में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखिए, इसमें किस किस सेक्शन से पूछे गए, तो पार्ट यानी संविधान के जो भाग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, आर्टिकल यानी कि जो अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, है ना, अनुच्छेद होते हैं, पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है, संसद में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, आपका महान्यायवादी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। शेड्यूल जो होते हैं आपकी, अनुसूची जो होती है, 12 अनुसूची, इससे रिलेटेड पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं, संविधान संशोधन जो होते हैं उससे रिलेटेड, इलेक्शन, चुनाव आने वाले हैं अभी तो चुनाव से भाई होने चाहिए, आर्टिकल 370 पर अभी मूवी आई है तो इसके बारे में करंट मुद्दा है, तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 370 क्या है, इसे कैसे हटाया गया, कब लागू किया, किसमें क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी अच्छे खासे से पूछे गए। बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो पोर्ट्स, बंदरगाह होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, नदियों से थे, माउंटेन्स से थे, प्रोड्यूसर यानी कि कौन सा राज्य किस चीज़ का उत्पादक है, और उसमें जैसे सोना लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना, इसके अलावा कोयले का कहाँ होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो 2 क्वेश्चन है ना, ये टॉप सारे टॉपिक को मिला के 2017 में ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, 2019 में 8 क्वेश्चन, और 2022 में 3 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन एक पैसेज के फॉर्म में पूछे गए, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया गया, उसमें कुछ बोला जा रहा है, उसके आधार पर 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो ये 22 वाला सेक्शन अलग, मतलब 22 में जो पेपर हुआ अच्छे खासे लेवल का पेपर होता है, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 22 में जो पेपर हुआ था उसी लेवल का आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बट टॉपिक वही रहेगी, होता कुछ नहीं, देखो टॉपिक वही है, यहाँ पर भी ज्योग्राफी, यहाँ पर भी, बट इसमें पैसेज डाल दिया। मैं बोला ना, एनटीए जब एग्जाम ले रही है वही क्वेश्चन वो वही उठाएगी, इतने टॉपिक से ही उठाएगी, बट उसके पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है ना, तो 20% जो है, 30% हमें चेंज देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल 70 से 80% आपका पिछले जैसा ही पेपर आने वाला, ठीक है। इकोनॉमी की भी बात करें तो आरबीआई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इससे ज्यादातर क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस से देखिए कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन पैसे से, 4 क्वेश्चन पैसे से, ठीक है। 2 सिंगल सिंगल थे, और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पैसेज आया, और अगली शिफ्ट में फिर 4 क्वेश्चन का एक पैसेज आया, तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, इन चारों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन, 15, और यहाँ पर 10 25 क्वेश्चन भाई पिछले 3 सालों में पूछे गए, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका साइंस, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, तो अवार्ड्स जितने भी होते हैं, नोबेल हो गया, अवार्ड हो गया, बाफ्टा अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ठीक है, ये सारे, अर्जुन अवार्ड हो गया, जितने भी अवार्ड होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, है ना, बाफ्टा अवार्ड हो गए, है ना, तो ये सारे अवार्ड्स आपको मालूम चाहिए। स्पोर्ट्स से हो गया, स्पोर्ट्स में आईपीएल आ गया, है ना, आपका जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं फीफा होता है, आपका वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इसके अलावा वॉलीबॉल, हॉकी,
ये सारे जो आते हैं आपके स्पोर्ट्स के अंदर, कोई स्पोर्ट्स का पर्सन है वो फेमस है, वो क्या स्पोर्ट्स खेलता है ना, स्पोर्ट्स की जो संस्था होती है बीसीसीआई, आईसीसी है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओलंपिक गेम्स कब हुए, पैरा ओलंपिक कब हुए, ये सारे एशियन गेम हो गए, पैरा एशियन गेम हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स के थ्रू पूछे जाते हैं, है ना। और रिसेंटली जो जैसे आईपीएल चल रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में हाल ही में इस संस्था का कौन माना गया, इस देश के राष्ट्रपति कौन थे, इस देश का जेता इसके लिए अपॉइंट की गई, ठीक है, इस तरीके से स्कीम्स जो भी हुई वर्तमान में, कोई भी स्कीम लॉन्च की गई करंट अफेयर में कि फलाने राज्य ने इस तरीके की स्कीम लॉन्च की है, फेस्टिवल कोई त्यौहार मनाया गया है रिसेंटली है ना, जम्मू कश्मीर में हैरत वगैरह जो शिवरात्रि मनाते हैं वो नए नए टाइप का मॉडल है, ठीक है। नोबल अवार्ड से क्वेश्चन हर शब्द में पूछा गया था भाई, हर शब्द में क्वेश्चन है ना, तीनों तीनों जगह नोबल अवार्ड से क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसरो, डीआरडीओ है ना, बजट से क्वेश्चन आए थे, इंडेक्सेस जो होते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बुक्स हो गई आपकी, कौन सी न्यू लॉन्च बुक हुई है जिसमें आपका है ना बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं उनकी बार बार रिपीट होती है ना, इवेंट हो गया कोई से, जैसे मोदी जी ने G20 होस्ट किया, या इस तरीके के कई सारे जो इवेंट्स होते हैं वो कहाँ पर हुए, किसने होस्ट किया, कौन सी कंट्री आई थी, कौन सा गेस्ट कंट्री थी, ये सारे पूछे जाते हैं। आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल के बारे में पूछेगा, तो करंट अफेयर्स से देखिए कितने थे क्वेश्चन पूछे गए, 17 में 13 क्वेश्चन, 19 में आपके 15 क्वेश्चन और 22 में 7 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा स्टैटिक जीके की यदि हम बात कर लें, स्टैटिक जीके में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसमें है आपका एक्ट, एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया है ना, जैव विविधता अधिनियम हो गया, आपका राष्ट्रीय कानून हो गया है ना, इसके अलावा आपका अपस्पा हो गया, इसके अलावा आपके जितने भी मतलब जो पैटा अधिनियम कब आया था, इसके अलावा 2016 में एक अधिनियम लागू किए गए तब वो, तो जितने भी एक्ट होते हैं, वुमेन एक्ट कब आया, इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, वहाँ से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। फुल फॉर्म से मैंने बताया ना, जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे फुल फॉर्म के यहाँ डाल दिए भाई, एक वाईफाई का, एक वाईमिक्स का, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। इसके अलावा स्टेट से रिलेटेड जी के जो पूछा गया, उसकी कंट्री क्या, उसका कैपिटल क्या है, वहाँ पर राष्ट्र आपका सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, या उस स्टेट ने कोई योजना जो है लॉन्च की, जो स्टेट का कोई फेमस जीआई टैग है, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से, रिवर है, नदी है, नेशनल पार्क है, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम किए गए थे, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए इसमें आपका फर्स्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा, ओल्ड मतलब विश्व में या भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे पुराना, इस तरीके के क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 3 क्वेश्चन 2017 में, 5 क्वेश्चन 2019, 11 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके देखिए 2022 में पूछे गए, तो स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया, कौन कौन से हैं वो, अब देखिए फेमस सिंगर, फेमस गायक जो हैं, फेमस डांसर यानी जो नर्तक है ना, नृत्यांगना है, फेमस आर्टिस्ट कोई कलाकार है ना किसी चीज़ का, फेमस पेंटिंग है जैसे वर्ली पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र की फेमस है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए एक आया 17 में, एक आया आपका 19 में, और 2 क्वेश्चन आपके 22 में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करना है। इसके बाद वाद्य यंत्र एवं वादक, देखिए बाद मतलब जैसे पंडित रामजी सुतार है ना, सरोद खान है, वो सॉरी अमजद खान है जो सरोद वादक है ना, बांसुरी वादक हैं बहुत सारे, तो इस तरीके का कौन सा मतलब कौन सा जो वादक है वो क्या बजाता है, इस वाद्य यंत्र के लिए कौन से वादक को अवार्ड मिला, इस तरीके के जो क्वेश्चन उन्हें पूछे जाते हैं, 1 17 में आया, 1 19 में और 22 में डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। इसके अलावा सेंसस जो आपकी जनगणना होती है ना, जनगणना भाई क्वेश्चन बनना ही बनना है, जनगणना पढ़ लेना, 2011 वाली आपको मोस्टली पढ़नी है, ठीक है। जनगणना से देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, ठीक है। फेमस टेम्पल कौन कौन से हैं, बृहदेश्वर मंदिर हो गया है ना, आपका खजुराहो के मंदिर हो गए है ना, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। 2019 में 4 क्वेश्चन थे, 2022 में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो फेमस टेम्पल जितने भी हैं आपको पूरे जो मोस्ट फेमस है वो रटे होने चाहिए, कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाए थे, किस समय बनवाए थे, ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स हो गई, 2019 में केवल 1 क्वेश्चन आया था, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ क्वेश्चन नहीं आ गया, ये टॉपिक ऐसा है कि हर हर पेपर में इससे 1 2 क्वेश्चन आपको मिलते मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट में नेशनल या इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो होती हैं उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आया था आपका 17 में, 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए 2019, 22 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये करंट अफेयर के फॉर्म में पूछ लिया गया, बट ये क्वेश्चन आप पढ़ना ही पढ़ना भाई, अपॉइंटमेंट है ना, करंट अफेयर का भी टॉपिक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी। इसके अलावा फेमस फेस्टिवल्स हो गए जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कौन
कौन कौन करता है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो आर्टिस्ट है वो कौन कौन से हैं। तो 2019 में 2 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे, जो राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जिसमें इसरो हो गया, DRDO हो गया, CSIR हो गया, बैंक्स हो गए, है ना, नाबार्ड हो गया, नाबार्ड से तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट, RBI हो गया, RBI के बारे में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। 1 आया 17 में, 4 आए 19 में, और 3 आए आपके 22 में, ठीक है। चलिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल जो स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, है ना, बहुत सारी योजना, प्रधानमंत्री हर घर नल योजना, आवास योजना, है ना, बहुत सारी, और ये अभी जो अनाज योजना चल रही है वो, तो इतनी सारी जो योजना है नेशनल लेवल की, वो आपको सारी जो है मालूम होना चाहिए, है ना, ये सारी पूछी जाती है। तो 1 क्वेश्चन 17 में है, 3 19 में, और 1 22 में। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, G20, ओलंपिक कमेटी, है ना, बहुत सारे होते हैं ना, मतलब इंटरनेशनल एग्जाम बहुत सारे, OPEC वगैरह है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, है ना। चलिए तो इसके बारे में भी आपको पूरा मालूम होना चाहिए। 1 क्वेश्चन आया था 2019 में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आता नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से करंट अफेयर में पूछ लेता है, स्पोर्ट्स के रूप में पूछ लेता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अपॉइंटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारे टॉपिक करा दूंगा। इसके अलावा स्टेट के कैपिटल हो गया, CM, गवर्नर कौन है ना, कंट्री के कैपिटल, कोई कंट्री है उसका उसकी राजधानी क्या है, उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, उसकी करेंसी क्या है, ये आपको मालूम चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए। इसके अलावा GI टैग, है ना, GI टैग भारत में दिए जाते हैं, कितने वर्ष के लिए दिए जाते हैं, किस किस को, कौन सा जो प्रोडक्ट है किस किस लिए फेमस है। इसके अलावा वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड्स अधिनियम कब आया था, इसे कब स्टार्ट किया गया था, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को किस लिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन है, इसके प्रमुख कौन है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड हो गया, है ना, ये बहुत सारी जो है ना, खंजर अभ्यास हो गया, तो ये कब होते हैं, किसके साथ होते हैं, कौन सा वर्जन था इस बार का, 14वें नंबर का, 15वें नंबर का, इस तरीके के जो क्वेश्चन से आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो GK के टॉपिक्स मैंने आपको पूरे इलेबोरेट करके यहाँ पर बता दिया है कि किस टॉपिक से, उसके अंदर किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको पूरा डिटेल बता दी, इतना डिटेल में कोई बता देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उतना डिटेल में कोई सिलेबस आपको बता दे, तो भाई मेहनत लगती है इस चीज़ को लाने में, है ना, मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेट हो गया, बट कंटेंट मैं आपको थोड़ा अच्छे से देना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया इस चीज़ में, ठीक है। अब दोस्तों अपकमिंग जो मेरी वीडियोस रहेंगी उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर, फ्री कंटेंट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस्ट बुक कौन सी होंगी, बेस्ट टीचर कौन सी होंगे। इसके अलावा ऑल अदर पोस्ट के लिए डिटेल सिलेबस जल्दी ले आऊंगा, जैसे MTS है, ASO है, मैथ्स हेल्पर है ना, मैथ्स हेल्पर हो गया, स्टेनो हो गया, वो जितनी भी पोस्ट है ना अदर, सबके लिए मैं डिटेल सिलेबस, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर जल्द ही लेके आने वाला हूँ, तो 1 2 दिन में आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी फॉर ऑल पोस्ट के लिए, है ना, 60 डेज या 90 डेज के आधार पर मैं ये लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप अपने 60 डेज या 90 डेज को यूटिलाइज करके एक बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से, किस डे में क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस कराने वाला हूँ, 2 मेरे वीडियो आ चुके हैं जो कि मेरे द एग्जाम पर GK चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी क्लासेस आएंगी GK की, कंप्यूटर की, हिंदी की, करंट, और बाकी मैथ्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश की, मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की, बट ये मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये अपकमिंग वीडियोज रहेंगी मेरी, ओके। और ये एक मेरी प्लेलिस्ट है NBS की, आप जाना मेरे द एग्जाम हेल्पर पर, NBS की प्लेलिस्ट है, 174 वीडियो है, इसमें बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो एक बार देख लेना। और ये PDF मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर ये PDF डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा द एग्जाम हेल्पर GK वाले टेलीग्राम चैनल पर, और क्लासेस आपकी इस चैनल पर आएंगी द एग्जाम हेल्पर GK यूट्यूब चैनल पर, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेक्स्ट बुक जरूर परचेस कर लेना भाई, ये यही सफलता दिलाएगा आपको, ये समझ लेना। इसका लिंक ये है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या ऐप डाउनलोड करके या कूपन कोड मांगेगा तो ये डाल देना, ठीक है। ये सारे लिंक्स दे रखे हैं, इनको चेकआउट कर लेना, है ना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।